Hey, what's up guys? So it is possible to get 1 lakh rupees or more just from emails. Let's go. So my name is TA and आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में. गाइज, ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको ऑटो जस्ट सुबह एक ईमेल टाइप करो और शाम तक आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे. यस, आपको जरूरत पड़ती है कुछ चीजों की कि कैसे सिस्टम को सेटअप करते हैं, कैसे सारी चीजों को ऑटो ले जाते हैं. यही सारी चीजें आपको इस सीरीज में मैं सिखाऊंगा. आई थिंक 3 वीडियोस होंगी, ये फर्स्ट पार्ट है. इसके बाद 2 पार्ट और होगा जो आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, ईमेल कैंपेन कैसे बनाते हैं, कैसे ओटीपी इन होती है, कैसे आप वन सिंगल स्लाइड या आप कह सकते हो वन पेज वेबसाइट बना के लोगों का ईमेल कैप्चर कर सकते हो, फिर उनको कैसे ऑटो सेंड करोगे, कौन सा ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करना है, कैसे यूज करना है और कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस सीरीज में. तो गाइस, आपको करना ये है, सबसे पहला काम इस वीडियो को कर देना है लाइक और एक किसी ग्रुप में कर देना है शेयर. बिकॉज ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है. और क्यों मैं बता दूं, जब भी आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो या किसी भी स्टोर में जाते हो जो ऑनलाइन है, तो वहां पर आपसे आपका ईमेल लिया जाता है और हर बिजनेस का बैकबोन होता है ईमेल. और आपको ईमेल आता है उस कंपनी के थ्रू जहां पर भी आप विजिट करते हो, राइट? तो इसका मतलब ये है कि बैकबोन, ये एक बैकबोन है किसी भी मार्केट में ऑनलाइन में. तो ये कैसे होता है ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, ऑनलाइन मार्केटर हो या डिजिटल मार्केटर हो. बिकॉज यहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड भी करनी होती है और अपने लिए भी काम करना होता है. और ईमेल इज द बैकबोन. सो मैं कंप्यूटर पर ले जाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पार्ट होगा और ये तीनों पार्ट में पूरा आपको समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे भैया ये चीज होती है और आप ऐसे करके 1 लाख नहीं, इससे भी कई ज्यादा अर्न कर सकते हो. बिकॉज ईमेल मार्केटिंग इज द बिग 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 गेम. और यू नो कि बहुत सारे ऐसे मार्केटर हैं जो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहे हैं. और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप ईमेल मार्केटिंग. लेट्स गो. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि ईमेल मार्केटिंग क्यों, ईमेल मार्केटिंग ही क्यों, राइट? बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या हम ईमेल मार्केटिंग के बिना भी मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? ये सब कर सकते हो, बट ईमेल मार्केटिंग इसलिए बिकॉज अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाते हो और यहाँ पर क्लिक करते हो तो मेरा ये पेज खुलेगा और ये है फेसबुक का पेज, राइट? फेसबुक के पेज पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3000 पीपल, राइट, 3000 लोगों ने मुझे यहाँ पर लाइक करके रखा है. और ये जो है ये एक मेरी स्टोरी है, जब मैंने एक दिन में $1000 हिट किया था इन JVZoo अकाउंट, JVZoo एफिलिएट अकाउंट. यू कैन रीड हियर, राइट? आके आप रीड कर सकते हो. तो मैंने कुछ स्टोरी डाली थी, यू कैन रीड हियर, राइट? सो यहाँ पर 3000 लोग हैं. अब इसके बाद अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर जाते हो तो वहां पर ऑलमोस्ट 10000 लोग हैं. और ऐसे ही करके अगर आप मेरे YouTube पे जाते हो तो ऑलमोस्ट 10,000 लोग हैं. ऐसे ही करके आप मेरे किसी Facebook ग्रुप में जाते हो तो वहां पर ऑलमोस्ट 50,000 लोग हैं, राइट? तो ऐसे करके बहुत सारे आपको यहाँ पर लोग नजर आ जाएंगे. ऑलमोस्ट 1 लाख का ट्रैफिक मेरे पास है सोशल मीडिया पे, ठीक है? कितना? 1 लाख का ट्रैफिक है सोशल मीडिया पे. बट जब मैं पोस्ट डालता हूँ सोशल मीडिया पे, अगर मैं फेसबुक के पेज पे डालता हूँ तो वो सिर्फ 1% लोगों को दिखता है. मतलब अगर 3000 के ऑडियंस है तो लेके चलो कि 30 लोगों को वो पोस्ट दिखेगी मेरी, ठीक है? तो इतना ज्यादा रीच आपको दिख रहा है ना. फिर उसके बाद अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो वहां से 5% लोगों को दिखता है. मतलब कि अगर मेरा 10,000 का फॉलोइंग है तो वहां पर मुश्किल से 500 लोग मेरे एक पोस्ट को देख पाएंगे, राइट? अगर मैं ऐसे ही बात करूं अगर मैं फेसबुक ग्रुप की, तो वहां पर सिर्फ 20% लोगों को दिखता है. मतलब कि 50,000 लोग हैं तो सिर्फ 5,000 लोग मेरे एक पोस्ट को देख पाएंगे, ठीक है? बट वहीं अगर मैं मेल्स की बात करूं, ठीक है, मेल्स, तो मेल्स इज द गेम चेंजर. अगर मैं सुबह उठ के एक मेल करता हूँ या ऑटो रिस्पॉन्डर मैं पूरी मेल को ऑटो सेट कर देता हूँ और डेली मेरी एक मेल जाती है, तो अगर मेरे पास, ठीक है, 1 लाख का मेलिंग लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास 1 लाख का नहीं है, मेरे पास 30,000 का ऑलमोस्ट मेलिंग लिस्ट है, ठीक है? तो अगर मैं अपने किसी भी टाइम पे कोई भी मेल टाइप करता हूँ और उनको ब्रॉडकास्ट करता हूँ जो 30,000 लोग मेरे लिस्ट में है,
तो एक क्लिक से ये 30,000 लोगों के पास मेरी पोस्ट पहुंच जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ मेल्स। वहीं अगर मैं सोशल मीडिया का यूज करता हूं तो वहां पर मेरे कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, इवन बहुत कम लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए मेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना ज्यादा तेज आपका गेम बनेगा। आपने बहुत बार सुना होगा राइट, मनी इन द लिस्ट, मनी इन द लिस्ट, मनी इन द लिस्ट। अगर आपने कई वीडियो देखी होगी एफिलिएट मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो लोग हमेशा कहते होंगे आपको राइट कि मनी इन द लिस्ट, मनी इन द लिस्ट। इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि एक क्लिक से आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास आपका मेल पहुंचता है। उनको अगर इंटरेस्ट आता है तो वो खोल के देखते हैं, और नहीं आता है तो स्किप करते हैं राइट। बट हाँ, पहुंचता जरूर है, जिसको कहते हैं इंप्रेशन, मतलब कि वो लोग आपको देखते जरूर है कि आपका आया है, मेल आया है, आपने नॉक किया उनके डोर पे। ठीक है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये होती है ईमेल मार्केटिंग की पावर। अब ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है उसको बताता हूं मैं। तीन वीडियो की सीरीज है ये राइट, मतलब कि तीन वीडियोस आएंगी मेल के ऊपर कि कैसे मेल मेल पूरा काम करता है, मेलिंग सिस्टम काम करता है, ईमेल मार्केटिंग काम करता है। तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड TRRFIC। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। और ट्रैफिक को मैं इतना ज्यादा वैल्यू देता हूँ बिकॉज ऐसा कोई भी बिजनेस, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो, अगर उस बिजनेस के पास ट्रैफिक नहीं है तो वो बिजनेस जीरो है राइट। अगर आपके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो आपको बिजनेस चलेगा कैसे, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो। तो ट्रैफिक इज द गेम, ट्रैफिक सीक्रेट। आपने सुना होगा इस बुक के बारे में, ट्रैफिक सीक्रेट, रसल ब्रनसन जिसने इस बुक को बनाया है। इतना बड़ा बूम क्यों हुआ इस बुक का, इतना ज्यादा ये फैला क्यों, बिकॉज ट्रैफिक। इस बंदे ने कोर सिखाया, बेस सिखाया कि ट्रैफिक कैसे काम करता है। और इसीलिए आपको पता होगा कि मैंने भी अपने कोर्स में डाला था ट्रैफिक राइट। ये मेरा कोर्स है, यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी मैंने डाला हुआ है कि ट्रैफिक को मास्टर कैसे करें, ट्रैफिक के साथ कैसे काम करें। डोंट वरी, इट इज टोटली फ्री राइट, कोई भी पेड पैसे लेके नहीं देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो एक सेक्शन है ट्रैफिक मास्टरी, तो यहाँ पर भी मैं लोगों को बताऊंगा। यहाँ वीडियोस रेडी हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर दिख जाएंगी। और यहाँ पर तीन सेक्शन है, अलग अलग चीजें सब में मैं सिखाता हूँ लोगों को राइट। तो ट्रैफिक सेक्शन मैंने बनाया है इसीलिए कि लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक कैसे मास्टर करना है, कैसे बिजनेस के लिए ड्राइव करना है, ये चीज बताने के लिए मैंने इसमें ट्रैफिक यहाँ पर सेक्शन डाला है कि लोगों को हर तरीके से बता सकूं कि कैसे ट्रैफिक को मास्टर करना है। ओके, यहाँ पर अगर आपको जानना है कि इसको कैसे, इस कोर्स को हासिल किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट राइट, तो ये चीज जो आप देख रहे हो हिज फादर्स गॉन बिकॉज ऑफ मी, आप ये वीडियो जाके जरूर देखो। आप इसी चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे, और वीडियो के सेक्शन में जाओ और ये वीडियो को जरूर देखो, हिज फादर्स गॉन बिकॉज ऑफ मी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस कोर्स को कैसे हासिल करना है जिसमें आपको ट्रैफिक मास्टरी के बारे में बताया गया है। अब गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ट्रैफिक मास्टर, ट्रैफिक की कैसे ट्रैफिक को अपने मेल गेम में, ठीक है, मेल गेम में ड्राइव किया जाए। अब जो सेकेंड चीज होती है दैट इज दिस राइट, ये चीज जो है आपको हर जगह दिखती होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओटीपी इन राइट, ओटीपी इन फॉर्मूला राइट। अब यहां पर क्या होता है, आप ईमेल डालोगे, यहां अपना नेम डालोगे और गेट योर फ्री कॉपी। अब क्या होता है, मेल लेने के लिए या किसी से भी कॉम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए आपको उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी राइट। किसी से रिलेशन बनाने के लिए जैसे आपको कुछ देना पड़ता है, वही चीज यहाँ पर भी आपको किसी से रिलेशन बनाने के लिए लेन देन वाला गेम करना पड़ेगा। आपको उसको कुछ अच्छा बेनिफिशियल देना पड़ेगा जो उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो लोग क्या करते हैं, लोग यूज करते हैं ईबुक, ठीक है, वीडियोस एंड आजकल एक और चीज है दैट इज कॉल्ड वेबिनार्स, ठीक है, फ्री वेबिनार करते हैं लोग। एंड एक और चीज है जो बहुत ज्यादा आजकल चल रही है राइट, लोग आपको अलग अलग थीम्स और कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सेसरीज होती हैं ऑनलाइन में यूज करने के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चार चीजें हैं जिससे आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बस आपको याद रखना है कि लोगों को आपको वैल्यू देना है अपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, जब आप ईमेल मार्केटिंग लोगों के साथ करोगे राइट। तो अब जब आप ये सारी चीजें दोगे तो आपको ये चीज बनानी पड़ेगी राइट, ये वन पेज वेबसाइट बोल सकते हो आप इसको, वन पेज वेबसाइट। बस लोगों को आपको इस पर ड्राइव करना है, लोग यहाँ पर ईमेल डालेंगे, ये डालेंगे, देन आप अपने ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू उनको
इस चार में से कोई भी चीज उनको दोगे एज अ वैल्यू प्रोवाइडर, राइट? कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन बनाने के लिए लेन देन करना पड़ता है, उनको कुछ आप दोगे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल तो वो आपको याद रखेंगे, और प्लस आपका जो ये ओटीपी इन फॉर्मूला है इसमें आके वो अपना मेल और नेम डालेंगे और अपने चीज के लिए जो चीज उनको चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब करेंगे आपको, राइट? तो आपके पास उनका ईमेल पहुंच जाएगा, देन आप उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे, मतलब कि ईमेल के थ्रू बातचीत करना स्टार्ट करोगे। वो मैं बताऊंगा कैसे आगे आने वाली वीडियोस में, राइट? अब बातचीत करना स्टार्ट करोगे एंड देन एट द एंड उनको कुछ चीजें सेल करोगे, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रैफिक का थोड़ा सा लर्निंग लेना पड़ेगा कि ट्रैफिक को कैसे हासिल किया जाता है। उसके बाद आपको इन चारों में से कोई चीज बनानी पड़ेगी, या तो एक ऐसी चीज बनाओ जिससे आप वैल्यू दे सको, राइट? वो कुछ भी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एक ओटीपी इन वेबसाइट बनानी पड़ेगी सिंगल पेज की, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, राइट? ये आपको हर जगह मिलेगी, या चाहे वो कोई वेबसाइट हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगा, राइट? सिंगल पेज का, बिकॉज लोगों से आपको कम्युनिकेशन करना है तो उनका नंबर या तो उनका ईमेल या तो उनका व्हाट्सएप नंबर कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग में ईमेल लेते हैं, ओके? तो वो चीज के लिए आपको यहाँ पर एक तो ओटीपी इन बनाना पड़ेगा, ओटीपी इन, राइट? तो ओटीपी इन सेकेंड आपका थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होगा, ठीक है? और यू कैन से सेकेंड, राइट? इसके बाद सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब गाइस इसके बाद एक चीज देखो, आप अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में, यहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर यही इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू प्रोवाइडर लगाओगे, ठीक है? वैल्यू प्रोवाइडर, ठीक है? और या तो जैसे ही कोई भी यहाँ पर जैसे क्लिक करता है इस पे गेट योर फ्री कॉपी पे, तो आप उनको अपने एफिलेट लिंक पे ड्राइव कर दोगे, एफिलेट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, एफिलेट प्रोडक्ट, ठीक है? या तो वैल्यू प्रोवाइडर या तो एफिलेट प्रोडक्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा लोगों को एफिलेट प्रोवाइडर पे, या एक और चीज होती है इसमें, दैट इज कॉल्ड थैंक यू पेज, राइट? व्हाट इज थैंक यू पेज? तो या तो आप वैल्यू प्रोवाइडर पे आप उनको ड्राइव करो, मतलब कि सीधा उनको वो चीज दे दो जो चीज आप उनको यहाँ पर देने का प्रॉमिस किए हो, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि सीक्रेट ट्रैफिक ड्राइविंग फॉर्मूला एंड मेक 299 ऑन यूट्यूब विदाउट मेकिंग वीडियो। तो डायरेक्ट जैसे कोई यहाँ पर सब्सक्राइब करता है, मतलब इस बटन पे क्लिक करता है, तो आप सीधा उनको यहाँ भेज दो जो चीज उनको चाहिए, या तो उसके बाद आप उनको सीधा थैंक यू पेज पे भेजो और बोलो कि आपका जो बुक है, जो वैल्यू प्रोवाइडर है, वीडियो है, वो आपके ईमेल पे जाएगा, ठीक है? तो आप उनको थैंक यू पेज पे भेज सकते हो, या तो वो जैसे ही यहां पर क्लिक करें आप उनको सीधा यहां पर भेज सकते हो, दैट इज योर प्रोडक्ट, राइट? एफिलिएट प्रोडक्ट। तो ये तीन चीज हमेशा यूज की जाती है, राइट? आपको थैंक यू पेज बनाना है, आपको वैल्यू प्रोवाइडिंग के लिए ये चार में से कोई चीज, या ऐसा कोई भी चीज जो आपको लगे जो वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहा है वो चीज, और उसके बाद एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड एफिलेट प्रोडक्ट, जो भी चीज का आप एफिलेट करना चाहते हो उसका लिंक, ठीक है? तो ये तीनों आपके हाथ में रहता है कि आपको क्या उनको देना है। जो भी आपको देना है वो लिंक आप इस बटन में डाल देते हो, जैसे ही लोग क्लिक करते हैं वो ड्राइव हो जाते हैं इसमें, ठीक है? मैं ज्यादातर लोगों को थैंक यू पेज पे ड्राइव करता हूँ, बिकॉज मैंने उनका मेल लिया है और मुझे उनसे कम्युनिकेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो मैं उनको सीधा मेल करता हूँ और उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा उनको थैंक यू पेज पे ड्राइव करता हूँ, और कभी कभी केसेस में मैं उनको एफिलिएट प्रोडक्ट पे पहले ड्राइव करता हूँ एंड देन थैंक यू पेज पे, राइट? तो ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब गाइज ये इसके बाद जब ये तीनों प्रोसेस हो जाता है, लोग यहाँ से आ जाते हैं आगे, तो अब आपको यहाँ पर सेटअप करना रहता है अपना, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और फिफ्थ स्टेप की हम लोग बात कर रहे थे। तो फिफ्थ स्टेप में आपको क्या सेटअप करना रहता है, आपको सेटअप करना रहता है अपना ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। अब ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में दो चीज होती है, जैसे कि आपको सुनने में ही आ रहा है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, तो यहाँ पर आप मैसेजेस को ऑटो मोड पे डाल सकते हो, मतलब कि आपने एक दिन पूरा ईमेल जो है उसको सेट कर दिया कि ये बंदे को इस दिन ये ईमेल, फिर इस दिन ये ईमेल, और फिर इस दिन ये ईमेल जाएगा, एक बार ऑटो सेट कर दिया, ठीक है?
अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट कर सकते हो मतलब कि डेली सुबह उठो, जब भी लोगों को कोई ईमेल भेजना है आप जस्ट टाइप करो ईमेल और उनको सेंड कर दो अपने ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू, जैसे कि आप व्हाट्सएप में करते हो। व्हाट्सएप में क्या करते हो, जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो तो आपको कुछ भी भेजना आता है तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालते हो और सेंड कर देते हो, तो सेम ईमेल में भी होता है। तो ये जो है फाइव स्टेप फॉर्मूला, आप इसको बोल सकते हो यही फाइव स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप हजारों डॉलर की अर्निंग कर सकते हो। बिलीव मी, जो आपने अभी मेरा एक स्क्रीनशॉट देखा था ना, जो मैंने जेवीजू से अर्निंग की थी, उसमें 50% जो कैश आया था इन अ डे वो सिर्फ ईमेल से आया था। तो ईमेल मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप ऑनलाइन में हो और कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी को एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ईमेल की जरूरत पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो आपको ईमेल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। अभी जो मैंने पांच स्टेप्स आपको बताया, आपको फिर से इस वीडियो को देखना है और समझना है कि मैंने क्या क्या चीजें कही है, और आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या कहा, ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के बारे में थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दो, मैं आगे बताऊंगा आपको। और आप चाहो तो मेरा ये कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, दिस इज यहाँ पर पूरा ट्रैफिक मास्टरी का हर कुछ मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब से, फेसबुक से, फेसबुक ग्रुप से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, आपका स्नैपचैट हो गया, कुछ भी, सबसे आप कैसे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, ये पूरा इस कोर्स में आएगा जो यहाँ पर आपको सेक्शन दिख रहा है ना ट्रैफिक मास्टरी का। और इस कोर्स को कैसे पाना है वो आप यहाँ पर इस फादर्स गॉन वाले वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस कोर्स को कैसे हासिल कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यस गाइस, तो ये फाइव स्टेप फॉर्मूला, पहले ट्रैफिक और उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका जो भी वैल्यू प्रोवाइडर है, उसके बाद आपको ओटीपी इन पेज और किस पेज पे आपको ड्राइव करना है, और उसके बाद आपका लास्ट आपका ईमेल का गेम कि ईमेल्स कैसे सेंड करना है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, रिलेशन कैसे बनाना है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि ओटीपी इन पेज कैसे बनाना है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में कैसे ईमेल को सेटअप करना है, राइट। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बट तब तक के लिए आपको इस वीडियो को करना है शेयर, बहुत ज्यादा शेयर करो, बिकॉज लॉकडाउन में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है नई नई स्किल सीखने की, क्योंकि नए नए पैसे कमाने हैं, नए नए मतलब कि एक रास्ता ढूंढना है काफी अच्छा खासा बिजनेस बनाने का। तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे जाओ और इस वीडियो को शेयर करो लोगों के साथ, इस वीडियो को लाइक करो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में एज अ नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ आके मुझे बहुत सारे सारे क्वेश्चन करें, और मैं वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट एंड पोस्ट देता हूँ जिससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी इस मार्केट, तो मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।